देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो इस मौके पर रन फॉर यूनिटी के जरिए एकता का संदेश देश भर में पहुंचाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। देश आज उस लौह पुरुष को याद कर रहा है जिसने एकता में अखंडता की नींव रखी और देश को एक सूत्र में पिरोया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। देश भर में राष्ट्र एकता दिवस मनाया जा रहा है और एकता का संदेश दे रहा है। लेकिन केवड़िया पहुंचे प्रधानमंत्री ने देश को राष्ट्र एकता की शपथ दिलवाई। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्र एकता दिवस पर परेड का आयोजन भी किया गया, जहां जाबाजों ने अपना दमखम दिखाया। तो मार गिराया जाता है। इम्प्रोवाइज तरीके से आप बिल्डिंग की छत पर पहुंचते देख सकते हैं। सूझबूझ, अदम्य साहस, ताकत व आपसी तालमेल का बहुत ही शानदार प्रदर्शन। सीआईएसएफ की आरटी टीम टर्मिनल बिल्डिंग के अराइवल वाले हिस्से पर पहुंचकर टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल होती है। ह्यूमन लैडर के माध्यम से आप इन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख सकते हैं। इसके बाद मौका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम के संबोधन का, जहां पीएम ने धारा 370 का जिक्र कर कहा कि 370 हटाकर सरदार का सपना पूरा किया। और तो और, बिना बोले ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग हमारी एकता को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हम देश की एकता पर होने वाले हर हमले को मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। साथियों, 21वीं सदी में भारत की यही एकता, भारतीयों की यही एकता भारत के विरोधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रत्येक देशवासी को देश के समक्ष मौजूद ये चुनौती याद दिला रहा हूं। कई आए कई चले गए, बड़े बड़े सपने लेकर के, बड़े बड़े मकसद लेकर के आए थे, और फिर भी बात तो यही निकली
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमें सरदार साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का अवसर मिला है। हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और ये भी सोने में सुहागा है कि एकता के पुजारी सरदार साहब की जन्म जयंती पर ही लद्दाख, जम्मू और कश्मीर अपने उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। पीएम ने संबोधन से बता दिया है कि देश की एकता, विविधता, कई भाषा बोली देश की शान है, जो देश को आजाद होने से लेकर आज तक एक सूत्र में पिरोए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर 90।